Hello students, today we will studying ES of standard 5th, chapter number 6, water is our life. Okay, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे step wells में लोग पानी यूज करते थे step wells के थ्रू और क्या हमारे cultures थे. Okay, new bride के साथ worship वगैरह होती थी, है ना. अब हम आगे read करेंगे. Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल पॉट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये ब्रास के और कॉपर के फिल हो रहे हैं वाटर के थ्रू. ओके, और ये भी ऐसे आपने कितनी बार गौमुख में से वाटर हमेशा चालू रहता है, ऐसे कितनी जगह आपने होली प्लेसेस पर देखा होगा. फाइंड आउट इस वेयर अ लेक वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल. विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. हाउ ओल्ड इज इट? Who got it filled? What land of buildings are around it? Is the water clean? Is it cleaned regularly? Who all use the water? Is there any festival celebrated at this place? Is there any water today or is it dry? Okay, तो इतने सारे questions हैं जो आपके पास में अगर कोई water lake well या step well है तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितने साल पहले बना था, किसने बनाया था, है ना, उसके आगे किस टाइप की बिल्डिंग्स हैं, उसका वाटर क्लीन है या नहीं, या क्लीन होता है या नहीं रेगुलरली, कौन लोग उस वाटर को यूज़ करते हैं, उसके आसपास कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है या नहीं, है ना, और ये अगर इसमें वाटर है तो ये ड्राई होता है या नहीं. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप ये एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं कि अपने यहाँ पर तालाब के बारे में, हालोल का तालाब है, बड़ा तालाब है ना, तो उनके बारे में भी आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, थिंक ओवर इट. इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज. People remembered the old and forgotten step well, Bhauli. Okay, they cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. ओके, तो यहाँ पर आपने 1986 की बात है जहाँ जोधपुर में बहुत बिल्कुल रेन नहीं था. ओके, तो वहाँ के लोगों को याद आया कि वहाँ पर एक स्टेप वेल है जो भूल गए थे लोग, है ना, तो उसको उन्होंने क्लीन करवाया. उसमें कितना गार्बेज निकला? लगभग 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज निकला उसमें से. ओके, तो उसके थ्रू उन लोगों ने उसको क्लीन करवाया और पीपल्स ने कलेक्ट मनी कलेक्ट करके उसको क्लीन करवाया और उससे पानी मिला लोगों को, क्लीन वाटर मिला. लेकिन थोड़े टाइम के बाद या थोड़े टाइम ईयर्स के बाद वापस लोग उसको भूल गए स्टेप वेल को अगेन. देर आर टू ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स ago there was water in these wells. The wells could have dried up because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. Okay, तो यहाँ पर old wells थी जहाँ पर पुनीता रहती थी. उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि 15 से 20 ईयर्स पहले यहाँ पर बहुत अच्छे वेल थे, है ना, लेकिन वो कभी भी सूखते नहीं थे, उसका पानी हमेशा रहता था वहाँ पर. वाटर इज़ बीइंग पम्प, है ना, वाटर कैसे निकाला जाता था? पम्प के थ्रू और इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू निकाला जाता था. द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. ओके, लेक्स भी उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी जो उसका
वाटर यूज़ करते थे. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट. ओके, तो जहाँ पर यहाँ ट्रीज़ और पार्क नहीं थे उसके सॉइल के आसपास, और वहाँ पर उसको पूरा सीमेंट से कवर कर दिया था. इज देयर सम अदर रीज़न फॉर इट दिस, एक्सप्लेन. ओके, तो इस टाइप से और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं जहाँ जिसकी वजह से उसका पानी पूरा नहीं रहा, रेन वाटर आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सभी जगह पर सीमेंट कर दिया था, है ना. तो ज़मीन के अंदर पानी जाएगा कैसे लैंड में, है ना, सोक कैसे करेगी लैंड. ओके, तो देन द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, सी पेज 57 एंड डिस्कस. ओके, तो यहाँ पर कितने वेज होते हैं जो पीपल्स वाटर मैनेज करते हैं, है ना. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वे, पुट अ टिक राइट ऑन दैट. इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक. ओके, तो आप पानी कैसे कलेक्ट करते हो इस पर आपको टिक करना है. ओके, तो यहाँ पर देखिए, या तो टैंक के थ्रू आता है, यहाँ पर ये बताया है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स इन योर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, यू हैव स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर, पीपल एट टाइम हैव फाइट वाटर. ओके, फिर दूसरा होता है कि वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप इन अ ईयर अगो, नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज of our caste. ओके, ये गाँव में बहुत होता है, क्योंकि जो वेल होते हैं सबके प्रॉपरली कास्ट वाइज होते हैं, कि ये ब्राह्मणों की वेल है, ये ठाकुरों की वेल है, उसमें कोई दूसरा पानी नहीं भर सकता. आज भी विलेजेस में ये प्रॉब्लम है. वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक ऑफ यूज ऑल डे, सम टाइम इट इज डर्टी. ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से जो नगर पालिका का पानी आता है, तो इस टाइप से आप लोग सभी यूज़ करते होंगे इस वाटर को, है ना. हमारे यहाँ सभी के यहाँ पे टैप के थ्रू वाटर आता है, जिसको हमको होल डे चलाना होता है. ओके, देन नेक्स्ट डे वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे अलॉन्ग. ओके, तो टैप्स में कब आता है पानी, जब हमारे यहाँ पे टंकी वगैरह हो, फिल कर देते हैं हम, है ना. दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर. ओके, तो यहाँ पे पंप के थ्रू वाटर आ रहा है. वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी ऑल. ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पानी कैसे लेंगे, तो ये बोरवेल के थ्रू मोटर से पानी आता है. देन वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, कैनल से भी पानी लेते हैं. फिर यहाँ पर कोई पानी कहाँ से लेता है, हेडपम्प के थ्रू. अगर बाजू में कोई हेडपम्प लगा हुआ है तो वहाँ से पानी लेते हैं, बट वो कितनी बार सॉल्टी होता है. ओके, तो इस टाइप से सभी डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप से पानी कलेक्ट करते हैं, वाटर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी को वाटर की तो ज़रूरत होती ही है ना. इसके लिए सभी अपना अपना वाटर अलग टाइप से कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें. ओके, तो यहाँ पर अब हम ये लेसन फिनिश करते हैं अपना यहीं पर. यू होप अंडरस्टैंड वाटर इज़ आर लाइफ, है ना. तो अच्छे से हमको उसको सेव करना है. ओके, बाय.